1996 में निर्देशक शंकर ने कमल हासन, उर्मिला मातोंडकर और मनीषा कोइराला को लेकर इंडियन फिल्म बनाई थी। ये एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी थी जो भ्रष्टाचार से लड़ता है। कमल हासन ने पिता और पुत्र की दोहरी भूमिका निभाई थी। ये फिल्म काफी सुपरहिट रही थी। खबर है कि शंकर 22 वर्ष पुरानी अपनी इस फिल्म का सीक्वल बनाना चाहते हैं। अपनी इस फिल्म में अजय देवगन को पुलिस ऑफिसर की भूमिका सौंपना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार शंकर और अजय ने इस बारे में बात भी की है और अजय काफी उत्साहित हैं। फिल्म में कमल हासन भी महत्वपूर्ण रोल में नजर आ सकते हैं। शंकर ने हाल ही में 2.0 निर्देशित की है जो 2018 में रिलीज होनी है। 450 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट वाली इस फिल्म का फिलहाल VFX का काम चल रहा है। शंकर इस समय फुर्सत में है और अपनी आगामी फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं। इंडियन 2 बनाने का आइडिया अरसे से उनके दिमाग में है। माना जा रहा है कि अजय ये फिल्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे।